आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को रसड़ा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वशिष्ठ नारायण सोनी व अधिशासी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष व ईओ ने नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सर्व समाज प्रमुख शामिल हुए। वशिष्ठ नारायण सोनी ने इस यात्रा के माध्यम से नगर वासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों में तिरंगा फहराने की अपील की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने नागरिकों के बीच तिरंगे झंडे का वितरण भी किया। आपको बता दें कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सोनी ने आगे कहा कि पूरे नगर में 5000 तिरंगा बांटा गया। ये महत्वपूर्ण है कि एक कानून भारतीय नागरिक होने के नाते भावनात्मक रूप से भारत को अपनी माँ के रूप में समझे, भारत माता के साथ एकजुट हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे लिए खुद को भारत माता के साथ एकजुट करने का अवसर है। इस दौरान संदीप सोनी, गोविंद शर्मा, खुर्शीद अहमद के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। अमृत महोत्सव के तत्वाधान में अमृत का स्वाद के दृष्टिगत जो है आज राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया है और यह आशा देखी जाती है कि प्रत्येक घर में हम लोग को राष्ट्रीय ध्वज पहुँचा दें और 13 से लेकर 15 तक जो है हम लोग इस महान पर्व को जो है शांतिपूर्वक व्यतीत करें और जन जन तक सरकार की मंशा को जो है सरकार की जो हमारे देश के प्रति अपना समर्थन छाव कर जवानों ने शहीद होकर जो है अपने देश को हम लोग आज़ाद दिलाए उसकी संघर्ष में अपनी उपस्थित करने के लिए उनके दिखाए हुए रास्ते का अनुसरण कर जय हिंद। आज नखड़ा वासियों को आपने झंडा वितरण किया, क्या संदेश दिया? सरकार की मंशा के अनुरूप 11 तारीख से 17 तारीख तक साप्ताहिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है जिसके तहत ये झंडे का वितरण किया। कितने झंडे वितरित किए आपने? अभी गिनती तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन कुल 5000 हमारे पास है जो झंडे का वितरण 1-2-3 दिन में हो जाएगा। अभी कितने और झंडा वितरण करना है? अभी कम से कम 2 दिन और करना है। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।